थायराइड के बारे में आज हम बात करेंगे। आप कम समय में थक जा रहे हैं, शरीर में सूजन, मोटापा बढ़ती जा रही है, बालों का झड़ना और आज ज्यादा समय तक काम नहीं कर पा रहे हैं, ये है थायराइड के लक्षण। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप कभी भी काम कर रहे हैं और आप काम में लगे हैं और उसमें आपको ज्यादा करके थकावट हो रही है, काम में थोड़ा भी मन नहीं लग रहा है, तो वो भी एक प्रकार से देखा जाए तो थायराइड के लक्षण है। तो अब हम मैं उसके लिए कुछ आपको ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जो अगर आप करेंगे तो वो डेली बेसिस पे करेंगे तो धीरे धीरे क्योर होने के चांसेस बढ़ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम दोनों हाथों को शोल्डर साइज लेवल में ऐसे रख देंगे, दोनों अच्छे से पाम को रख देंगे, बैलेंस बनाना है। फिर जाके दोनों अपने पैरों को ओपन कर देना है, नी को एकदम अच्छे से ओपन कर देना है और साथ में टो को भी एकदम अच्छे से ओपन कर देना है। फिर आपको इनहेल करना है और ये जो लोअर बैक है आपको उसको डाउन करना है। इनहेल करते हुए अभी आप देखेंगे अच्छे से कैसे करना है। अब एक्सहेल करते हुए अपर बैक को आपको ऊपर की तरफ करना है। अगेन इनहेल करते हुए लोअर बैक को डाउन करना है और नेक को ऊपर करना है। एंड एक्सहेल करते हुए अपर बैक को ऊपर करना है एकदम अच्छे से, जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकते हो उतना अच्छे से और आपका नेक डाउन होगा। अब हम करेंगे सेकेंड को। अब हम करेंगे चाइल्ड पोज। आपको ऐसे वज्रासन में बैठ जाना है एकदम अच्छे से एंड धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ लेकर जाना है, स्ट्रेच करना है। फिर उसके बाद आपको हेड डाउन करना है। जितना आप अच्छे से हेड डाउन करके फिर आपके हाथों को आप जितना अच्छे से स्ट्रेच करेंगे उतना अच्छा आपको थायराइड के लिए अच्छा रहेगा। ये आपको करके 20 सेकेंड तक होल्ड रखना है। अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा है तो आप ज्यादा समय तक अपने क्षमता के अनुसार रख सकते हैं और धीरे 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 पीछे की तरफ आके रिलैक्स करना है। अब हम करेंगे थर्ड एक्सरसाइज। अपने दोनों हाथों को हिप के बाजू में रख देना है, दोनों पैरों को एकदम अच्छे से पोजीशन पे रख देना है। अब आपको लोअर बैक से ऊपर की तरफ उठना है इनहेल करते हुए और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आना है। आपको देखेंगे स्टार्ट करने जा रही हूँ। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जितना अच्छे से आप जा सकते हैं उतना अच्छे से आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है, जितना आप जा सकते हैं। अगर आप 20 सेकेंड तक होल्ड रख सकते हैं तो होल्ड भी रखेंगे तो बहुत अच्छा इससे बेनिफिट मिलेगा। एंड धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए आपको नीचे की तरफ आना है। अगेन इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाना है एंड एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ आना है।